नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव। आपको स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कुछ लोगों ने इसको फ्रॉड बताया गया है। घर पे आके जो टेस्ट करके दिखाते थे। ठहरिए 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 दोस्तों, स्किप मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टीडीएस मीटर। लेकिन इसका इस्तेमाल एक्चुअली इसका इन्वेंशन हुआ था पानी की क्वालिटी की जांच करने के लिए। और इससे कई ज़्यादा अमाउंट में इससे आपको पानी की जानकारी मिल सकती कि आपके पानी के अंदर क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता सकता है। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आखिरी तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूरत होगी पानी की। तो सबसे पहले मेरे पास में ये पानी है, ये हमारा बोरवेल का पानी है। पहले बोरवेल के पानी को थोड़ा साइड में रख देते हैं। पहले हम लोग लेंगे हमारा टैप वाटर यानी कि नल का पानी और हमारा आरओ का पानी। और पहले हम लोग दोनों ग्लासेस को भर लेते हैं। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा टीडीएस, इसका पहले देख लेते हैं फॉर इंफॉर्मेशन। ये भाई साहब का टीडीएस है 4, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर ही है। और इसका है 81। तो ये टैप वाटर है और ये हमारा आरओ का पानी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं जादू। और जैसे ही हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर डालते हैं और इसको हम लोग देते हैं, ओ नो, इसकी डंडी टूट गई है। 2000 years later चलिए दोस्तों वापस हम लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों नेचुरल कैलामिटी नहीं कह सकते, कैलामिटी के कारण हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ और हम देखेंगे कि पानी के अंदर क्या हो रहा है। मैंने दोनों बटन चालू कर दिए। राइट हैंड साइड पे जो है छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और आप भी देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे जो है बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। और वेट, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स जो है आरओ वाटर के जो ग्लास है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देख सकते हैं पानी के ऊपर एक लेयर सा आ गया है। ये पानी में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं येलोइश कलर आया हुआ है। मेरे पास एक शीट है जो आपको बताएगी कि आपके पानी में कौन सा कलर दिख रहा है। तो आपके पानी में क्या है, तो यहाँ पे येलो कलर का मीनिंग है यहाँ पे अल्यूमिनियम सल्फाइड्स है, ऑरेंगो फॉस्फरस इसमें थोड़ा सा मौजूद है, इतना नहीं क्योंकि आने में काफी समय लगा है। तो इसका मीनिंग है जो कलर यहाँ पे दिख रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट और ऑर्गेनो फॉस्फोरस इस पानी के अंदर है, टैप वाटर के अंदर है। वेयर एज आरओ वाटर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये प्रूव होता है कि आरओ वाटर जो है फॉस्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट और ऑर्गेनो फॉस्फेट को निकालता है, फॉस्फोरस को निकालता है। तो ये पानी का डिफरेंस जो है आप कलर का देख सकते हैं। तो ये जो है मैं यहाँ पे साइड में जो है इसको दिखा दूंगा। अभी हम लोग पानी चेंज करते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ में। हमारे आरओ वाटर को उसी प्रकार रहने देते हैं और अभी हम लोग इसमें डाल रहे हैं बोरवेल वाटर। और आपको मैं अपने बोरवेल के पानी का पहले टीडीएस दिखाऊंगा कि कितना टीडीएस है इसका। टीडीएस है अराउंड 350, 350 टीडीएस है पानी का। और तो अभी हम लोग फिर से दोनों को इस
मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग पानी को सप्लाई दे रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी में काफी तेज काफी आप देख सकते हैं बोरवेल के पानी में काफी तेजी से जो है रिएक्शन हो रहे हैं, काफी तेजी से इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है और यहाँ पे कुछ सब्सटेंस जो है वो जल्दी जल्दी फॉर्म हो रहा है दोस्तों। और वो सब्सटेंस क्या है जो है कलर चेंज होने से पहले हम लोग इसको रोक देते हैं और थोड़ी देर चलने देते हैं। स्टार्टिंग में जो है वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखा था तो अभी जो है ये सब्सटेंस जो है कलर चेंज कर रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ये नीला, ग्रीनिश हो रहा है। ये टोटली अभी ग्रीन कलर का होने को जा रहा है सब्सटेंस, पहले व्हाइटिश था अभी ग्रीन हुआ है और इसमें से धुआं निकल रहा है यानी कि पानी गर्म हो चुका है। तो देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से ग्रीन कलर का लिक्विड बन चुका है पूरा। तो अभी हमारे शीट को रेफर करते हैं हम लोग और यहाँ पे जहां लिखा हुआ है ग्रीन कलर यानी कि कॉपर ऑक्साइड और क्लोरीन कंपाउंड्स इस पानी के अंदर मौजूद है। स्टार्टिंग में व्हाइट दिख रहा तो इसका मतलब ये था इसमें कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है बोरवेल के पानी में, थोड़ा थोड़ा जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है इसके अंदर, पानी के अंदर ज्यादा मात्रा में नहीं है, कैल्शियम मौजूद है और मैग्नीशियम मौजूद है। और जब इसने ग्रीन कलर चेंज किया तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन और कॉपर ऑक्साइड इस पानी में बोरवेल के पानी में मौजूद है। तो दोस्तों ये प्रूव होता है कि ये जो मशीन है केवल आपके पानी को गंदा दिखाने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली आपके पानी को टेस्ट करता है और उसके अंदर कौन से हैवी मेटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपको बता सकता है। तो ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। तो अगर आपको ये बात नई लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और अभी हम लोग चेक करते हैं, हमारे पास कैल्शियम बेस्ड पानी है तो उसको हम लोग ये मशीन से चेक करेंगे कि वाकई में अगर कैल्शियम है तो वो व्हाइट कलर आता है क्या। तो चलिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड, प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने हाजिर है कैल्शियम वाटर। एक मिनट, ये तो खाली ग्लास है, आप सोच रहे होंगे कि बंदा कहाँ से लाएगा कैल्शियम वाटर। तो अभी हम लोग पहले इसमें आरओ वाटर डाल रहे हैं और इसका टीडीएस आपको दिखा देता हूँ मैं। प्लेन आरओ वाटर है जी हाँ, इसका टीडीएस है 6। थोड़ा सा पुराना पानी जो है उसमें मिक्स हो गया था तो टीडीएस थोड़ा बढ़ गया है, कोई बात नहीं। अभी इसको हम लोग बनाएंगे कैल्शियम वाटर, कैसे, चूना जो है पान की दुकान पे मिलता है, थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल, ताकि ये कैल्शियम वाटर बन जाए। और कैल्शियम वाटर हम लोग आंखों से देखेंगे तो एज सच जो है हमें थोड़ा ज्यादा डल गया, लेकिन एज सच हमें दिखता नहीं है पानी में कैल्शियम है या नहीं है। अभी तो ये बहुत ज्यादा हो गया लेकिन ये थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा तो ये पानी क्लियर हो जाता है और पानी में हमें समझ में नहीं आता कि कैल्शियम एडेड है। तो अभी हम लोग मशीन लगाएंगे और इसको चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर फिर से जो है प्रोसेस चालू हो गई है और कैल्शियम जो है वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये पानी में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये प्लेन आरओ वाटर है और इसको हम लोग अभी स्टॉप कर देते हैं, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा जो है व्हाइट कलर आ चुका है। तो जब पानी के अंदर व्हाइट कलर आता है तो हमारे यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपके पानी में कैल्शियम, एल्यूमिना या मैग्नीशियम है। तो इसके अंदर हमने कैल्शियम डाला हुआ था तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एक्चुअली ये कैल्शियम को शो कर रहा है, पानी के अंदर का जो कैल्शियम है वो ये दिखा रहा है, सेपरेट करके दिखा रहा है।
जो भी कैल्शियम एलिमेंट्स थे वो पूरी तरह से ऊपर आ चुके हैं पानी के और तैर रहे हैं। अगर हम लोग ऊपर से भी देखेंगे तो व्हाइटिश कलर का हमें सब्सटेंस दिख रहा है। सो ये सब कैल्शियम है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने ये प्रूव किया कि हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के साथ पानी की क्वालिटी जान सकते हैं, पानी के अंदर कौन से एलिमेंट से वो जान सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। अगर आपको पता नहीं था ये सब बातें तो मुझे भी बताइए कि आपको ये सब बातें पता नहीं थी, आपके लिए कुछ भी नया सीखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। अगर आपको किसी ने कहा कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ उल्लू बनाने के लिए कस्टमर को, तो आप उन्हें जाके बता सकते हैं कि नहीं दोस्तों, ये चीज़ वाकई में टीडीएस कंट्रोल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देती है आपके पानी के बारे में। लेकिन जस्ट उसको हमें जानना ज़रूरी है, उसको हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो कस्टमर को आप इसके थ्रू भी डेमो दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।